हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले वाले वीडियो के पार्ट टू के बारे में। क्या, कौन सा पिछले वाला वीडियो? अगर आपके मन में यह ही सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो पिछले वाले वीडियो का पार्ट टू है और इस वीडियो में हम बचे हुए दो टाइम ट्रेवल के थ्योरीज के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपका पार्ट टू देखना एकदम बेकार है। तो सबसे पहले जाकर आप पिछले वाला वीडियो पार्ट वन इसका देख लें और उसके बाद यहाँ पर आएँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर फैक्ट। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो तो हमारे चैनल पर हर ट्यूसडे और सैटरडे को आते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आती है बारी थ्योरी नंबर चार की, जिसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों की नकारात्मक सोच ही रहती है। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो सिर्फ विनाश करने के लिए ही बने हैं। वैसे बता दूं कि ब्लैक होल विनाश करने के साथ साथ समय यात्रा करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए इसको लेकर वैज्ञानिक काफ़ी तत्पर्य के साथ शोध में लगे हुए हैं। वैसे यह सिद्धांत आपको अवश्य ही चौंकाने वाला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान का निर्माण करें जो कि ब्लैक होल के अंदर बहुत तेज़ी से घुसकर निकल सके, तो हम शायद समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर ये संभव नहीं तो एक ऐसा कृत्रिम होल का निर्माण करें जो कि बहुत तेज़ी से घूम रहा हो। जब कोई भी यान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है तो वो स्वतः रूप से समय की गति को कर रहा होता है। वैसे अनुमान से कहा गया है कि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय दुगनी तेजी से व्यतीत होता है। इस सिद्धांत के वजह से जो भी अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के अंदर से होकर आते हैं, लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से 5 साल आयु में छोटे होते हैं। हालांकि समय में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करना जरूरी है। अब लास्ट वाले थ्योरी को भी जानी लेते हैं, जिसका नाम है इनफाइनाइट सिलेंडर। इसको आप हिंदी में अनंत सिलेंडर के जरिए भी बोल सकते हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले फ्रैंक टिपलर ने दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य के 10 गुना ज़्यादा वजनी पदार्थ को कई अरब बार लपेटकर एक लंबी व सघन सिलेंडर में परिवर्तित करके प्रति मिनट कई खरब बार परिक्रमण के गति से घुमाएं, तो हम शायद इसके माध्यम से समय यात्रा कर सकते हैं। दरअसल बात ये है कि इतने वेग से घूमने वाले इस सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर हम किसी स्पेसशिप को रख दें और बाद में इसके अंदर प्रवेश करा दें तो हम लोग समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, आपके अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस सिद्धांत को क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व सिद्धांत भी कहते हैं। वैसे इसके ऊपर अभी भी शोध जारी है, परंतु आशा है कि भविष्य में समय यात्रा करने का यह एक बेहतर विकल्प बन सकता है। तो इस सिद्धांत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए जरूरी इस सिलेंडर की लंबाई बहुत ही ज़्यादा या यूं कहे तो अनंत होनी जरूरी है, जिससे यह अपने अंदर क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व को बना पाए। अगर यह कर्व किसी तरह बन गया तो समय यात्रा करने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अनंत सिलेंडर का ये जो सिद्धांत है यह वास्तव में कई सारे तथ्यों को आपस में साझा करके दिया गया है, इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से इस सिद्धांत से आशा है कि आने वाले समय में शायद यह हमें समय की अद्भुत यात्रा करा सके। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि समय में पीछे जाना समय में आगे जाने से बहुत ही भिन्न और जटिल है। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से हम लोग समय में पीछे नहीं जा सकते। तो इसका जवाब है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के तहत अगर कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार डालता है तो
वह कैसे आने वाले समय में अपने अस्तित्व में आएगा। अगर उसके ग्रैंडफादर ही जिंदा नहीं रहेंगे तो उसके पिता तथा वह कभी भी जन्म नहीं ले सकता है। इसीलिए समय में पीछे जाना शायद एक तरह से असंभव ही लगता है। हालांकि इसको लेकर कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में आप दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में जन्म लेंगे। दोस्तों अब आप बताइए, क्या हम लोग कभी टाइम ट्रेवल करने में सक्षम हो पाएंगे? क्या हम समय में एक दूसरे युग में जा पाएंगे? आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वैसे और एक सवाल भी है कि मान लीजिए किसी तरह इंसान समय यात्रा करने में सक्षम हो भी गया तो आप समय यात्रा करके किस चीज़ को बदलना चाहेंगे या कौन सी जगह जाना चाहेंगे? आप लोग कमेंट में कृपया ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।